बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भागलपुर में जनसभा को किया संबोधित, सरकार पर जमकर साधा निशाना। भागलपुर में उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता मिली है, विभाग ने शराब तस्कर को किया है गिरफ्तार। भारी मात्रा में अवैध शराब को भी उत्पाद विभाग ने जब्त किया। सर होने के बाद में हम लोगों ने चेक किया तो शराब उस ट्रक में पकड़ी गई है। उस ट्रक में कुल 350 पेटी शराब थी, जिसमें इंपीरियल ब्लू और मेलबर्न नंबर 1 थे। शिवहर क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी नारायण सिंह की गोली मारकर हत्या हो गई। जनसंपर्क के दौरान ही अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। जहानाबाद में विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में रंगोली, दीपोत्सव, गुब्बारा उड़ाने का कार्यक्रम आयोजन किया गया। भागलपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शिशु की हुई मौत, परिजनों ने अस्पताल पर लगाया गंभीर आरोप। कोरोना के बीच पटना में खुला पहला हॉट योगा सेंटर। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने किया सेंटर का उद्घाटन। तो यहाँ आके निश्चित तौर पर जब इनके इच्छुक से आके जुड़ेंगे, योगे करेंगे, तो मैं बता सकता हूँ कि उनकी आधी से ज्यादा बीमारी जो होती है स्वस्थ रहेंगे, बीमारी उससे दूर भागेगा। नीतीश की सभा में लगे लालू यादव जिंदाबाद के नारे। परसा के राजद उम्मीदवार ने कहा जनता समझदार हो गई। भाई जिंदाबाद।